अपनी वेलकम स्पीच देगी और हल्ला बोल और आगे के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएगी। रुजान खंभाता जी प्लीज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आवाज आ रही है ना? ऑनरेबल गवर्नर श्री, रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज ऑन द डायस ऑफ द डायस एंड माय डियर फ्रेंड्स, I would first like to welcome all of you here and also thank you for being here. Special thanks to, because मेरे को वोट ऑफ थैंक्स नहीं मिलने वाला है, इसलिए special thanks to कर्नाटक स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री फॉर बीइंग द होस्ट। ये जो आइडिया मैं हिंदी में बोलूंगी, इज इट ओके? ये जो हल्ला बोल का आइडिया जो है, इट स्टार्टेड वे बैक इन 2014। पीछे तक आवाज आ रही है? श्योर? आई थिंक आई स्पीक फॉर तो मैं ये लूंगी, ये चलेगा, ये चलेगा। हेलो, या तो द रियल रीजन बिहाइंड हल्ला बोल वन जो पहले हमने 2014 में किया, वो इसलिए किया कि इन 2013 वी स्टार्टेड अ हेल्पलाइन कॉल्ड पुलिस हार्ट 1091, जो आपने अभी देखा स्क्रीन पे कि पुलिस हार्ट आपको इमरजेंसी में बचाती है। इंडिया की फर्स्ट टाइम इन इंडिया टेक्नोलॉजी है, जो आप अगर बोल नहीं सकते हो तो भी आप खाली 1091 डायल करोगे या मिस कॉल दोगे। इंडिया में कहीं भी मिस कॉल देने पे पुलिस सामने से आपको फोन नहीं करती थी। पुलिस क्या, इवन 108 जो एम्बुलेंस इमरजेंसी लाइन है वो भी आपको फोन नहीं करती थी। वी स्टार्टेड दिस के 1091 पे फोन आएगा, अगर मिस कॉल जाएगा तो भी हम सामने से फोन करेंगे, ताकि अगर कोई बहन, क्योंकि बट नेचुरल अगर कोई बहन प्रॉब्लम में है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो फोन करके बात करेगी और सामने वाला उसको बोलेगा हाँ बात कर लो बहन बाद में प्रोग्राम करेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। इसीलिए ये इसलिए रखा है कि अगर आप बात नहीं करो या चालू रखो आप चिल्ला छोड़ दो मुझे क्या कर रहा है, तो बट नेचर है कि हमारे पुलिस ऑपरेटर जो आपको सुनेंगे वो तुरंत समझ जाएंगे आप इमरजेंसी में, और समझ जाने के बाद क्या, सो दिस इज वेयर द टेक्नोलॉजी कम्स इनटू एक्जिस्टेंस, कि आपको वो बचाने आती है। टेक्नोलॉजी आपका लोकेशन ढूंढेगी, 8 से 10 मिनट लगेगी आपका लोकेशन आने में, क्योंकि एक सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है बिकॉज ऑफ सम रेगुलेशंस, बट इन 8 to 10 मिनट्स वंस वी गेट योर लोकेशन, तुरंत उस एरिया की पुलिस कंट्रोल रूम में एनएसवी वो पार्टी सर बताएंगे कि पुलिस वेरी हाईटेक, उनके हर एक पीसीआर पुलिस कंट्रोल रूम बैंस में जीपीएस सिस्टम्स है, सो उसी एरिया में अहमदाबाद है 80 पुलिस कंट्रोल रूम बैंस, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी आपके लिए बहनों को और भाइयों के सेवा के लिए कितने इंफ्रास्ट्रक्चर है पुलिस के पास, वो तुरंत आपको सायरन बजाते आ जाएगी बचाने। सो विद दिस न्यू कंसेप्ट, यू नो वी वांटेड टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट दिस कंसेप्ट, इसलिए हमने हल्ला बोल सीजन 1 के लिए किया, जिसमें लिखा है अवेयरनेस ऑफ वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी एंड सो ऑन। और हुआ क्या कि जब हम ये कर रहे थे तो हमने ये महसूस किया कि बहनों को जब हम बात करते हैं, करेंट हम आप लोगों के साथ बैठे खड़े बात कर रहे हैं, जितनी हम बात करते हैं उनमें अवेयरनेस आती है। जैसे मैंने अपने स्पीच में बताया कि ये दिस इज नॉट अ जेंडर फाइट, ये स्त्री पुरुष की लड़ाई नहीं है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। सो ऑब्वियसली जब भी हमारे सारे फंक्शन होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई मुझे भाई लोग चाहिए, आई वॉन्ट जेंट्स टू ऑल्सो बी इक्वली इन्वॉल्व विद दिस फंक्शन, सो दैट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स फ्रॉम यर वो लोग अपने घर में जाके अपने अपने वाइफ को, अपने बच्चियों को, अपने नेबर्स को ये बता सके। तो आज मैं ये भी यही चाहूंगी कि आज आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हो वो आगे सबको इसके बारे में बताए। ये रहा पुलिस हार्ट 1091 का, तो उसकी अवेयरनेस के लिए हमने ये किया। और जब हम ये अवेयरनेस कर रहे थे, हल्ला बोल सीजन 1 वो सो पॉपुलर, हमने एक ही दिन में हमारे 800 वॉलंटियर्स ने 325 स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब्स, सब बाजू जाके एक ही दिन में इस तरह के प्रेजेंटेशंस किए। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, इट गॉट सो पॉपुलर कि हमें सामने से रिक्वेस्ट आने लगी कि हमारे यहाँ भी करो। तो दैट इज इन इनफैक्ट यू बी सरप्राइज, हमें आंगनवाड़ी से रिक्वेस्ट आने लगी कि हम आंगनवाड़ी के वर्कर्स रह गए, आपको वहाँ करना है ये वो। तो इसलिए हल्ला बोल सीजन 2 का बहुत हुआ, अरे बहुत क्या करते, इसलिए हमने थोड़ा क्या हल्ला बोल सीजन 2 करते हैं ना। सो आफ्टर आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू फ्रेंड्स, वेरी वेरी प्राउड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि हमने इस साल पे इस टाइम पे हमारा ये हल्ला बोल सीजन 2 5 अगस्त को चालू हुआ, आज उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है विद द हैंड्स ऑफ सर। तो आज हमने इतने टाइम में करीब अप्रोक्सीमेटली थैंक्स टू दैट बाइसेक केयू बैंड फैसिलिटी वी कुड कवर 12.5 लाख पीपल, सो दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस इन टर्म्स ऑफ कि हमने भागीदारी जताई, भाई बहनों ने साथ मिलकर आवाज उठाया कि हाँ हमें एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए,
सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंस, क्योंकि अवेयरनेस से के अंदर से एक एनर्जी आती है और उसके कारण एक एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट होता है और बहनों को अपने राइट्स का पता चलता है. जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बहनों को दे हैव इट इन देम, द गर्ल्स द लेडीज हैव इट इन देम, बट इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर्स और पेरेंटल प्रेशर्स कि दे आर नॉट एबल टू कम आउट. तो ये प्रोग्राम से दूसरा भी फायदा हो, क्योंकि वाज नॉट जस्ट स्टूडेंट्स वर्क था, तो वो सब भी बातें हुई. नाउ आई वुड लाइक टू, जो मेरी फेवरेट टॉपिक है दैट इज सेल्फ डिफेंस, एंड सेल्फ डिफेंस से आगे उससे ज्यादा मेरी फेवरेट टॉपिक है मेंटल ड्रिल. मैं आज आपको द नेक्स्ट 7 मिनट्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेंटल ड्रिल, इसलिए वो वीडियो आपको नहीं बताया गया. वो मेंटल ड्रिल में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि मेंटली हम मेंटली सामने वाले को कैसे ओवरपावर करें, क्योंकि पहले अगर मेंटली आप उसको ओवरपावर कर दोगे तो सेल्फ डिफेंस तो बाद वाली बात आती है. और फिर मैं दूसरी 2 मिनट सेल्फ डिफेंस के 2 या 3 छोटे से आपको प्रयोग दिखाऊंगी जो आप खुद कर सकते हो, टेक हेल्प फ्रॉम यू ओनली. सो कमिंग बैक टू मेंटल ड्रिल, का बेसिक फंडा है 3 चीज याद रखनी मेंटली. प्लीज पे अटेंशन फॉर द नेक्स्ट 7 मिनट्स, बिकॉज ये जो मैं आपको बताऊंगी वो एक साइंटिफिकली रिसर्च थिंग है, एंड दिस 7 मिनट्स can next time, I hope you don't get into any problem, but next time it can save your life, it can help you. Point number 1, mental drill ke 3 basic funda hai. Ek, aapko khud ko practice karni hai. First thing, ki aapke jo aankh hai, aankh pe agar aapko confidence ke saath aur samne wale ki aankhon se aankhen milani hai. Theek hai? Confidence aur aankhon se aankhen. Dusra, aapka awaaz buland hona chahiye. Hey, you know, it should be strong. Aapko bhi, aapke hasra bhai, us waqt apne aap awaaz strong ho jayegi. तो सेकंड वर्ड इज इंपॉर्टेंट कि आपका आवाज पे दम होना चाहिए. डोंट वरी, आप सिंगल बॉडी और डबल बॉडी उसकी चिंता मत करना, क्योंकि कई बार डबल बॉडी की भी वो चुड़िया जैसी नो आवाज निकलती है. सो डोंट थिंक ऑफ योर फिजियोग्राफी. थर्ड पॉइंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज एग्रेशन होना चाहिए. आपके बॉडी लैंग्वेज में एग्रेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि सामने वाला मेंटली डाउन हो जाए. ये पूरा खेल सामने वाले को मेंटली कैसे ओवर पावर करें उसका यह पूरा खेल है. दैट इज द थिंग वॉन्ट टू दैट. अब रिसर्च ने कहा कि 3 टाइप के परपेट्रेटर होते हैं. पहला परपेट्रेटर जो 85% इस टाइप के परपेट्रेटर्स होते हैं कि जो सिर्फ लड़की को छेड़ने के लिए छेड़ते हैं, खाली मजाक करने के लिए, यू नो, फॉर द सैडिस्टिक प्लेजर इज द गेम. ठीक है, लड़की छेड़ गई तो अच्छा, नहीं छेड़ी तो कोई बात नहीं, ऐसा वाला. और डर जाता है, अगर ये करेंगे आप क्या दिखाएंगे तो डर भी जाएंगे. ये 85% वाले होते हैं. दूसरे 10% परपेट्रेटर्स होते हैं जो किसी को लड़की को पहले छेड़ चुके हैं और उनको उसमें थोड़ी पीएचडी तो नहीं कहते लेकिन थोड़ी उनको उसने प्रैक्टिस हो गई है और वो लड़की डर गई है तो उनको लगता है हाँ डर, लड़की डर गई, चल मैं दूसरों परेशान करूं, तीसरे परेशान करूं, ऐसा ऐसा उनका एक ऐसा उनका माइंडसेट ऐसा चल रहा है. बिकॉज एवरी टाइम यू नो एवरीबॉडी नोस कि एक ह्यूमन ह्यूमन क्या, आई थिंक एनिमल्स की भी ये वो है कि कोई डरता है तो उसको और डराते, हो करेंगे डरेगा तो डबल हो करेंगे. ठीक है, तो सेकंड टाइप के वो होते हैं. अब दूसरे जो थर्ड टाइप के परपेट्रेटर है जो खाली 5% है, वो आइदर उसको आपके पीछे एजेंडा है कि मेरे को इस लड़की को हैरानी करना है, या आइदर वो पिघला पिघला होगा तो उसको क्या है कि भाई चलो इसको परेशान करते हैं, या पिघला होता है तो उसको ध्यान नहीं रहता है. तो इस टाइप के 3 परपेट्रेटर होते हैं. अब मैं आपको पहला स्टेप बता दूं कि जब आप कहीं सुनसान रास्ते पे जा रहे हो, मान लो कोई आपके पीछे आ रहा है, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विल डू. मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगी, नॉट मेकिंग इट मच इंटरेक्टिव. नॉर्मली ऐसा होता है तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहते हैं कि भागेंगे, भागेंगे ना. जैसे वो कुत्ता आता है तो अब तक को डर लगता है तो हम भागते हैं, तो कुत्ता क्या करता है, डबल स्पीड से भागता है और हमें पकड़ लेता है. ये साइकोलॉजी है. लेकिन नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर लेना, अगर कोई आपके पीछे आ रहा है तो आप भागोगे नहीं, आप नहीं भागोगे, आप क्या करोगे, खड़े रहोगे, टर्न अराउंड करोगे, बॉडी लैंग्वेज एकदम कॉन्फिडेंट, हाथ इस तरह, बिकॉज दैट शोज योर एग्रेशन, आंखों से आंखें मिलाना है उसकी, और क्या करोगे, आवाज अंदर से क्या चाहिए, समझे, करेंगे ऐसा. 85% टाइम अब आप ऐसा करोगे, रिसर्च कह रही है कि वो आदमी समझेगा कि छोटे इस लड़की को छेड़ने लायक नहीं, शी इज स्ट्रॉन्गर एंड ही डज यू नॉट लाइक टू मिस विथ यू, तो कुछ नहीं करके चला जाएगा. लेकिन मान लो 85% टाइम इट हैपेंस, बट जो वो 10% वाला आदमी है जो पीएचडी वाला है वो नहीं जाएगा, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप डरना मत क्योंकि मुझे पता आपकी धक धक और हो जाएगा, लेकिन आपको और हिम्मत जुटानी है और अब आपको आपके बॉडी लैंग्वेज और अगेन स्ट्रॉन्ग, हाथ थोड़े एनिमेटेड या जैसे हाथ हिलाने लगो जरा, जैसे कि यू आर ट्राइंग टू बी रफ, थोड़ा वो भजन भजन आते हो तो एक दो बोल देना और साथ में वो आ जाएगा, सब आ जाएगा, चिंता मत करो, और साथ में आपको ठीक है यू हैव टू बी नाउ मोर स्ट्रॉन्ग. भले अंदर डर लगता हो या जितना भी करो आपको प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस यानी मिरर के साथ
सामने आपकी आंखें एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ठीक है, ऐसे आवाज होनी चाहिए, और जब प्रैक्टिस करो घर में बोलना प्रैक्टिस कर रहे हो, वरना मम्मी बोलेगी कि क्या चिल्लाई है, क्या चाहिए क्या चाहिए. So coming back to the point, कि आपको और स्ट्रॉन्ग एग्रेशन बताना है, एंड माई फ्रेंड्स टेक माई वर्ड्स, दे वुड गो अवे, क्योंकि वो सोचेगा नहीं यार ये लड़की स्ट्रॉन्ग है. अब तीसरे टाइप का परपेटेटर आया, अब वो जो तीसरे टाइप का परपेटेटर आता है तो वो क्या करेगा, बहुत सिंपल सी बात करो, वो आपको शायद टच करने की कोशिश करो. तो अब आप क्या करोगे बता देती हूँ. इन शॉर्ट आपको अभी देयर विल हैव मोर सेशंस ऑन दैट, बट जस्ट टू स्टार्ट विद इट, पाम एल्बो हील, ये हमारे डिफेंस और डांस का स्टेप है. पाम इज फॉर चिन एंड नोज, एल्बो इज फॉर स्टमक एंड थ्रोट, एंड हील इज फॉर फुट एंड दिस थिंग मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी. तो आपको पाम एल्बो हील, आपको इसकी घर में प्रैक्टिस चालू कर देनी है. ये जो पाम है आपकी हथेली है, उसको ऐसे दीवार पर करोगे और स्पीड चेंज, इज अ पॉइंट ऑफ स्पीड, इतना याद रखना, दिस इज नॉट पावर, आपको पावर नहीं चाहिए, ऐसे करके कभी मत मारो, हमेशा स्पीड करो. एज यू ऑल नो कि स्पीड से आदमी को ज्यादा लगता है, पावर से नहीं लगता है, क्योंकि इट इज अ स्किल. तो पाम उसके ये डाचे पे या नाक पे मारो, अच्छा चिन पे मारो, और एल्बो उसके पेट में मारो, और थ्रोट पे मारो, क्योंकि इट्स वेरी इजी, आपने ट्राई कर लेना, और हील उसके नीज पे या मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी पे. ओके, अब क्या करोगे, जैसे आगे करोगे सामने वाला थोड़ा हिलता जाएगा, आप शायद गिर भी जाएगा, इट डिपेंड्स आपकी कितनी स्पीड है. अब क्या करोगे, नहीं 109 तो पहले ही फोन कर दिया है, वो तो पहले ही काम करना है. वो तो फोन फेस वन पे ही चालू कर देना है 109 तो. अब आप करोगे, अब आप हाँ हो गए, ये गलती मत करना, क्योंकि हमें भगवान ने ऐसे बनाया बायोलॉजिकली कि हम नहीं इसको ओवरपावर कर सकेंगे. पर जब वो गिर जाता है तो आप भागोगे तो आपको 3-5 सेकंड की विंडो मिलती है भागने के लिए. ठीक है, डन शेयर ट्राई, और आपको घर पे ये प्रैक्टिस करनी है. विद दिस आई वुड नाउ लाइक टू एंड विद ओनली 3 पॉइंट्स. कैन आई हैव सम वॉलंटियर्स, क्विक वॉलंटियर्स, 2-3 वॉलंटियर्स मिल सकेंगे मुझे जल्दी से? एंड कैन आई हैव अ स्लिंग बैग, एनीबॉडी हैविंग अ, आई थिंक आई विल हैव स्लिंग बैग, कैन आई हैव अ स्लिंग बैग? अब आपको मैं फटाफट, चलो जल्दी आ जाओ, फास्ट 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 फास्ट, आ जाओ बेटा, आज पीछे आ जाइए, आ जाओ, अब आगे आ जाओ. आज के बाद आप कहीं भी जाओ तो कभी भी अपनी हैंडबैग ऐसे मत रखो, डोंट कीप योर हैंडबैग लाइक दिस, बिकॉज इट्स नॉट नेचुरल कि वो गिर जाएगी. अगर आप ऐसे रखोगे, लेट्स से मैं कहीं जा रही हूँ, हैंडबैग ऐसी है, नीचे मान लो पहले ऐसी रखी, आप पुल करो, खींचो खींचो खींचो, तो देखो ये गिर जाती है ना. अब मान लो ये हुआ, अब आप पुल करो, सी मेरा बॉडी उसको पुल करने को अलाउ नहीं कर रहा. और अब साथ में आपको एक और ट्विस्ट बता दूं, जब वो कोई पुल कर रहा हो, आप पुल करो, तो आप कैसे डक हो जाएगा, जैसे डक हो जाओगे इनका ग्रिप छूट जाएगा, ग्रिप छूट जाएगा. तो इसीलिए दिस इज हाउ यू कैन, दिस इज हाउ यू कैन सेव योरसेल्फ, योर बैग, सॉरी नॉट योरसेल्फ, हमसे ज्यादा प्यारी वही बैग अपना मोबाइल होता है. सेकंड पॉइंट, मान लो आपको किसी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा, आप लेफ्ट या राइट, राइट पकड़ना यार, बस में जाते हो हमेशा ऐसे खड़े रहो,
है। दूसरा पॉइंट, कहीं भी जा रहे हो अगर आपको कुछ भी हैरान करता है, बस की एक छोटी सी बात करके खत्म करूंगी। एक लड़की बस में जा रही थी, एक काका, नॉर्मली काका ही होता है, एक काका बस में लड़की को धक्का मार रहा था, और हम लड़के को पता होता है कि कौन सा धक्का है, काका वाला धक्का है कि धक्का वाला धक्का है। तो जब काका धक्का मार रहा था तो लड़की ने बोला, काका आगावे सो, गुजरात में बोलूंगी, काका आगावे सो। तो काका चिल्लाया, मैं क्या करूं, धक्का आ रहा है यहां से, बस में भेज दी। लड़की ने दूसरी बार बोला, काका आगावे सो, लड़का काका वापस चिल्लाया। तीसरी बार लड़की ने बताया क्या किया, काका थोड़ा वहां बैठ जा। जैसे ही लड़की ऐसा बोली, काका वहां से उठ गया, और तब ये सब जो भाई थे उन्होंने टपली चालू की। मेरा मतलब यही है कहने का बहनों, कि आज के बाद अगर आपके साथ कहीं भी रास्ते पे, घर पे, थिएटर में, सिनेमा हॉल में, कहीं भी बस में अगर इस टाइप की प्रॉब्लम हो, तो आपको क्या करनी है, आवाज उठानी है। यू आपने कोई गलती नहीं की है, गलती तो उसने की है कि आपको छेड़ रहा है, तो आप आवाज उठाओगे और भाई लोग आओगे ना